டாக்டர் கருணாகரன், டைரக்டர் ஆஃப் ஸ்பைன் சர்ஜரி, எம்ஜிஎம் ஹெல்த் கேர், சென்னை. பில்லர் ஹாஸ்பிட்டல் மே ஆ ரஹா ஹூ. ப்ராப்ளம்ஸ் இந்த ஸ்பைன், எக்ஸாம்பிள் பேக் பெயின் ஆர் பெயின் ரேடியேட்டிங் டவுன் த லெக்ஸ் ஆர் நெக் பெயின் கம்மிங் டவுன் த என்டையர் ஹேண்ட், டிஃபிகல்ட்டி இன் வாக்கிங், நாட் ஏபிள் டு வாக் சர்டன் டிஸ்டன்ஸ், difficulty in passing urine, not able to control when you cough or sneeze, your urine automatically passes. If you have pain which is at rest, which is disturbing your sleep, and pain which is not allowing you to do your routine activities, get it checked. Thank you very much. नमस्कार, मैं यामी न्यूज़ अंडमान 24/7 में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम फ्लैग पॉइंट के बगल जो अलाई कदल INR मंदिर है, यहां पर खड़े हैं और हम आपको बता दें कि हमें जानकारी मिली है कि कांग्रेस पार्टी आज यहां से जो अपना कैंपेन शुरू करने वाली है। जो कैनवेसिंग का जो दौर होता है, जब नेता अपने कार्यकर्ताओं के साथ जाते हैं, समर्थकों से मिलते हैं, घर घर जाते हैं, गली मोहल्ले जाते हैं और लोगों को अपना परिचय देते हैं और वोट मांगते हैं, ये अब शुरू हो चुका है कांग्रेस पार्टी की ओर से। तो आज यहाँ पर पहले दिन जो है श्री कुलदीप राय शर्मा जी, जो कांग्रेस के प्रत्याशी है, वो यहाँ पे आने वाले हैं कुछ ही समय में, और फिर यहाँ पर भगवान INR की आशीर्वाद ली जाएगी। और जैसे 2019 में भी हम आपको बता दें कि हमें जानकारी मिली कि श्री कुलदीप राय शर्मा जी ने यहीं से शुरुआत की थी, तो इस बार भी जो है उन्होंने अपना स्टार्टिंग पॉइंट यहीं रखा है, यहीं से वे कैंपेनिंग की शुरुआत और यहां पे भगवान का आशीर्वाद लेकर यहां से होते हुए वे शादीपुर जंक्शन होते हुए जो है नया गांव के जो दुर्गा वहां तक आज ये पहले दिन कैंपेनिंग का एक छोटा सा रूट को फॉलो किया जाएगा। बहुत सारे जो समर्थक है कांग्रेस पार्टी के, वे जो है श्री कुलदीप राय शर्मा जी के साथ यहां से लेकर दुर्गा टेम्पल तक जाएंगे और कैनवेजिंग की शुरुआत करेंगे। हमारा प्रयास रहेगा कि हम जो है बाकी तमाम जो पार्टियां हैं उनके भी कैनवेजिंग की कवरेज करें और आप लोगों के समक्ष रखें, ताकि आप लोगों को भी पता चले कि कौन कौन सी पार्टी से कौन कौन प्रत्याशी है और उन लोगों का कैंपेनिंग कैसा चल रहा है। फिलहाल चलिए हम आप लोगों को ये इस कवरेज की ओर ले चलते हैं। Thank you.
कांग्रेस पार्टी के बहुत ही कर्मठ नेता रत्नाकरन जी, हम उनसे जानेंगे कि आज के इस पहले दिन के कैनवसिंग डे पर उन्हें क्या कहना है। नमस्कार मैम। आज सबसे पहला मैं ये कहना चाहती हूँ कि भगवान के मंदिर अय्यनार मंदिर से 2019 में भी स्टार्ट किए थे, आज हमारे कुलदीप भाई भी वहाँ से स्टार्ट किए और बहुत सारे लोग उनके साथ जुड़े। और ये ऐसे नहीं जुड़ते हैं, जो काम करता है उसके साथ हमेशा लोग जुड़ते हैं। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि इस बार हम जरूर आगे बढ़ेंगे और जीतने का हमारा आसार दिख रहा है, जरूर जीतेंगे हम। तो हम ये कहना चाहते हैं कि हम सब लोग उनके साथ हैं, कम से कम हमारा जितना भी कांग्रेस पार्टी के लोग हैं उनके साथ है। आज बिन बुलाए इतना भीड़ हो गया और जिस दिन नॉमिनेशन करा उस दिन भी बहुत भीड़ था। तो ये हम लोगों को दिखाता है कि ये काम करते थे इसीलिए उनके साथ में लोग जुड़ते। थैंक यू मैम। मैम ने जैसे कहा कि जो काम करते हैं भीड़ भी उन्हीं के साथ जुड़ती है। अब देखने वाली बात ये रहेगी कि क्या ये भीड़ वोटों में भी बदलती है या नहीं, जो हमें अप्रैल 19 तारीख को हमें देखने को शायद मिल जाए, मगर परिणाम जो है इसका 4 जून को जरूर मिलेगा। Thank you.
भाई। सलमान जी से इनका उसके बारे में जानना चाहेंगे। परसों नॉमिनेशन का दिन में अंडमान का इतिहास में इतना जन इतना लोग पार्टिसिपेट कभी नहीं किया, पहले बार है। 6,000 से अधिक मात्रा में लोग अपने आप से जुड़ के वहाँ पे सहयोग दिया है, सम्मानित किया है। हम लोग डीसी ऑफिस से वहाँ से गांधी भवन से शुरू करके गंडागर होते हुए वहाँ पे अन्नपूर्णा होते हुए वहाँ बंगाली क्लब होते हुए वहाँ पे डीसी ऑफिस तक इतना दुख काल में 2 घंटा पैदल में चल के 6,000 आदमी आया बोलने से ये कुलदीप राय शर्मा के ऊपर में और कांग्रेस पार्टी के ऊपर में इतना प्यार है तभी आया है। उसी में हमारा कांग्रेस पार्टी का विजय जो मालूम हो गया, हर जगह कुलदीप राय शर्मा जी को बहुत प्यार कर रहा है। इसलिए ये आज का जो शुभारंभ बहुत बढ़िया लग रहा है, जो आने वाला और 17-18 दिन बाकी है, बहुत बढ़िया से, बहुत डिफरेंट से। पहले लास्ट टाइम में तो बहुत कम वोट से हम लोग विजय मिला है, इस बार बहुत ज़्यादा रेट से, बहुत ज़्यादा वोट का डिफरेंस में आप विजय मिलेगा। इसलिए ये आने वाला समय में ये जो 19 तारीख को जो होने जा रहा है, ये त्यौहार है, ये हमारा लोकतंत्र का त्यौहार है। ये त्यौहार में कांग्रेस पार्टी अंडमान में और पूरा देश में विजय मिलेगा। धन्यवाद। जैसा आपने देखा कि
श्री कुलदीप राय शर्मा जी ने जाइए आज अपनी कैंपेन के पहले दिन की शुरुआत की है। श्री अलाई कडल आयनार टेम्पल वहां से लेके नया मंदिर तक इस पूरे रास्ते में आपने देखा कि कैसे सैकड़ों की संख्या में जो है कुलदीप शर्मा जी के साथ उनके जुटे हुए थे, उनके साथ जिला रहे थे, उनके पक्ष में वोट मांगने के लिए नारे ला रहे थे, धूम धड़ाके से था। ये देखा जाए तो कांग्रेस की तरफ से जो है उनका कैनवेसिंग की शुरुआत हो चुकी है। अब आए दिन जो है आप देखोगे कि कांग्रेस पार्टी की तरफ से पूरे डिगलीपुर से लेके कैंपल बे तक जगह जगह कैंपेनिंग प्रोग्राम चलाया था और लोग उनके उनके वोट करने के लिए बहुत सारे प्रोग्राम्स भी कराए जाएंगे। हम लगातार आप लोगों को देते रहेंगे। बाकी प्रत्याशी है उन लोगों की इस पर हमारी नजर रहेगी और उनके द्वारा जो जो प्रोग्राम्स कराए जा रहे हैं हम उसकी भी अपडेट आप लोगों को लगातार देते रहेंगे। तो आज यहां पर कैलाश शर्मा जी ने बगल जो आईनार से शुरुआत करके पूरा शारीपुर इमली पेड़ साउथ पॉइंट होते हुए यहाँ दुर्गा मंदिर नया गांव तक आए जहाँ पे उनका आज के ये पहले दिन का कैंपेनिंग समाप्त हुआ, जहाँ पे रास्ते भर में आपने देखा किस तरीके से कुलदीप राय शर्मा जी जो है लोगों से मिल रहे थे, उनसे बातें कर रहे थे और नारेबाजी के साथ गाने बजाने के साथ उनकी जो पूरी टीम है इस पहले दिन की उन्होंने कैनवेसिंग की शुरुआत की है। और भी बाकी अपडेट्स के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए हर एक्टिविटी पे। जैसे मैंने कहा कि हम प्रयास करेंगे कि अपनी नजर रखें और आप लोगों तक उसकी पूरी खबर दे। फिलहाल कैमरा पर्सन दीपिका सोनी के साथ मैं यामीन, न्यूज़ अंडमान 24/7। नमस्कार।